नमस्ते दर्शकों, आप सबको हमारा चैनल इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। आज मैं आपको कंस और मुचना की कहानी सुनाऊंगा। तो बने है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कंस जानता था कि देवकी का आठवां बच्चा उसका अंत करेगा। जब देवकी की आठवीं संतान हुई तो कंस तुरंत कला पहुंच और देवकी से बालक को किया। वो वास्तव में युग माया थी। वो कंस पर उसकी मूर्ता पे हंसी और जीवित बताया कि कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है और अभी कोको में है। कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सेना को आदेश दिया कि वो उसी दिन पैदा हुए सही बच्चों को मार दे। लेकिन वो लोग खाली हाथ लौट आए। अंत में कंस ने राक्षसों की रानी पूतना को कृष्ण को आने के लिए भेजा। नंद बाबा के घर एक अंकल ने चरबाई में कृष्ण के होते। पूतना ने एक सुंदर पोएट का रूप धारण किया और वहां से गुजर रही थी। जब उसने कृष्ण को देखा तो उसने कृष्ण को गोद में लेने की अनुमति मांगी। उसने अपना जहरीला दूध पिया के कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे ही मार दिया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। जय श्री कृष्ण।